बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया थैंक यू कि आपने अरुणाचल प्रदेश को सम्मान बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम ये अपना मीडिया टीम को थैंक्स मतलब थैंक देना चाहेगा। तो आई एम वन ऑफ दोज 9 प्लेयर्स जो नोएडा पे अपना स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। तो ये 17-20 का बीच में जो नेशनल्स हुआ था, तो हम लोग का टीम बहुत अच्छा किए। तो हम लोग टोटल 9 प्लेयर्स है, तो हम लोग 23 मेडल सिक्योर किए। तो हम लोग का बहुत मतलब कम्पिटिटिव था, कम्पिटिटिवनेस बहुत अच्छा था, हाई लेवल था। ऑब्वियसली नेशनल लेवल है तो कम्पिटिटिवनेस हाई लेवल रहेगा ही। तो हम लोग सबसे पहले स्टेट से क्वालिफाइड होके स्टेट सिलेक्शन करके फिर हम लोग नेशनल्स खेलने गए। तो अभी नेशनल्स में भी हम लोग का कुछ रैंकिंग्स कुछ अच्छा ही मतलब बहुत अच्छा पड़ा। तो इस मेडल को आप जीतने के लिए बहुत मेहनत की होगी, और कितने घंटे आपने मेहनत की है? हाँ, मेहनत तो बहुत किया जी। तो मेरा एक्चुअली पावरलिफ्टिंग स्टार्ट किए हुए मेरा 1.7 ईयर्स हो रहा है। तो एक्चुअली इसमें बहुत इंजरी, पावरलिफ्टिंग ऐसा गेम है जो बहुत इंजरी प्रायर है, तो आपको बहुत मतलब फिजियोथेरेपी से बहुत रेगुलर रहना पड़ता है। तो ऑब्वियसली पीछे में 300 kg 200 kg लोड रहेगा, तो आपका ऑब्वियसली स्पाइन ये सब स्लिप डिस्क ये सब होने का भी चांसेस बहुत रहता है जी। तो बहुत इंजरी प्रायर गेम है। स्टिल माय पेरेंट्स माय फैमिली स्टिल सपोर्ट्स मी, तो मेरा फैमिली हमको बहुत सपोर्ट करता है। तो मतलब कुछ डाइट से लेके इक्विपमेंट्स हो गया कुछ कमी रहने नहीं देते। तो फिर जिम का भी जितना भी सप्लीमेंट्स हो गया, तो सब हमको हमेशा रेगुलर मतलब टाइमिंग रेगुलर रखते हैं। हाँ, वही स्टेट लेवल से ले जाकर फिर नेशनल लेवल में जाना और ये सफ़र है, आपका कैसा रहा? स्टेट लेवल भी कम्पिटिटिव, ऐसा ये नहीं कहूँगा कि स्टेट लेवल बहुत ईजी था, स्टेट लेवल भी बहुत कम्पिटिटिव था। तो स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल स्टेट का एक जस्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप है। फिर नेशनल से इंटरनेशनल दूसरा स्टेप, वो फाइनल स्टेप होगा, उसमें हम लोग नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आप गोल्ड मेडल जीते थे, तो उस दौरान जो है परिवार में किस तरह का माहौल था? सबसे पहले तो हम अपना फैमिली को नहीं बताया था, क्योंकि हम लोग का ये मेडल सेरेमनी बहुत रात 2 बजे ऐसे को हुआ। तो हम जैसे ऐसे अपना फ़ोटो का ग्रुप में डाल दिया था, तो ऐसे हो कि पूरा थोड़ा स्पैम हो गया, फिर पूरा व्हाट्सएप में कांग्रेस पूरा आने लगा। तो वही है। चलिए, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई इस मेडल लाने के लिए। थैंक यू। बता दीजिएगा, मेरा नाम आज़ाद बासफर है जी, आपका एसोसिएशन WBC अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस, तो उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपके खिलाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत पदक जीत के आए हैं, और आपने बहुत ही इन लोगों के लिए बहुत ही ट्रेन अच्छी तरह से किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलता हूँ कि इन लोगों को मैंने ज़्यादा मेहनत मतलब मेरा जितना कांग्रेस था उतना कमी दिया, पर उन्होंने और भी अच्छा किया, उससे ज़्यादा मेहनत करके और भी अच्छा रिजल्ट लाया। मैंने नहीं सोचा था कि इन लोगों ने इतना आगे तक जाएंगे और मतलब इतना मेडल लाएंगे अरुणाचल के लिए। जब ये अरुणाचल प्रदेश से नेशनल के लिए जा रहे थे, तो आप उस दौरान जो है इन खिलाड़ियों को क्या संदेश दे रहे थे कि ये और भी पदक जीत के लाएं? संदेश मैं वही दे रहा था कि एटलीस्ट आप लोग जो स्टेट में जो किया है, अगर 200 किलो मारा है या फिर कोई 500 किलो मारा है, तो उसमें से कम नेशनल जाके उससे 1 किलो भी ज़्यादा मारा है, अगर मेडल नहीं भी मिलता है तो अपना बेस्ट दो, क्योंकि नेशनल लेवल बहुत टफ होता है। 600-700 प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे, हर स्टेट से 26-27 स्टेट आते हैं। क्या तो, आप इन खिलाड़ियों से संतुष्ट हैं? अरे ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। और भविष्य में क्या योजना बनाएंगे आप इन खिलाड़ियों को और अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग तो मैं सोचता हूँ कि नेशनल में अभी गए, कल को इंटरनेशनल में भी जाएं, वही सोच रहा हूँ मैं जी। और इस वक्त जो है दर्शक आपको देख रहे हैं, और उन युवाओं को जो पावर लिफ्टिंग में भी अपने कैरियर बना सकते हैं और जो ड्रग में एडिक्टेड हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वही बोलता हूँ, कम से कम ड्रग वगैरह वो सब करके तो फायदा है नहीं, उससे उन लोगों का जिंदगी खराब ही होगा। तो 2-4 घंटा पावर लिफ्टिंग करो, या फिर जो भी हो फिजिकली वर्क करो, या फिर साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, जो भी हो, तो फिटनेस में रहने से अच्छा है और क्या। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री अनुराग भड़ाली है, मैं तो बेसिकली आसाम से हूँ, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अरुणाचल को। तो स्टेट में भी अरुणाचल के लिए खेला था और नेशनल भी अरुणाचल के लिए खेल रहा हूँ। तो बेसिकली मैं पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, और जिसमें अरुणाचल प्रदेश से बहुत से ऐसे पावर लिफ्टर है जिन्होंने पदक विजेता, जो कि स्वर्ण पदक और कई मेडल जीते हैं, और आज जो है दैनिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उन्हें एक सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स,
आप लोगों ने आया है यहाँ कवरेज करने के लिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे पहले मेरा नाम दैनिक संजय, दैनिक वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं दैनिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मेरा भाई दैनिक रिमोन को मैं स्वागत करता हूँ, और स्वागत करते हुए मैं उनसे कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा फैमिली के लिए नहीं बल्कि अरुणाचल के लिए जो मेडल लेके आया, गोल्ड मेडल और एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल जो अरुणाचल के लिए लेके आया है, इसके लिए मैं भाई रिमोन को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देता हूँ। और साथ ही साथ मैं जो पावर लिफ्टिंग कॉन्ग्रेसेस का जो कोचेस है, मैनेजर है, इनकी टीम है, इन सबों को भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों की द्वारा, आप लोगों के जरिए जो मेरा भाई ने इस मेडल को हासिल करने में कामयाब हुआ है। इसके लिए मैं जितना जो अरुणाचल टीम्स जो पावर वेट लिफ्टिंग का कॉन्ग्रेसेस का जो ये एसोसिएशन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही साथ मेरा जो मिडिल ईस्ट है, अरुणाचल के लिए जो मिडिल लाया है मेरा भाई, नाम तो थोड़ा नहीं गिन पाएगा, तभी भी जो हमारा स्टेट के लिए, अरुणाचल के लिए 26 मिडिल जो है लेके आया है, तो मेरा भाई लोग से मैं भाई लोग को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। मेरा दैनिक सोसाइटी की तरफ से, अरुणाचल की तरफ से मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू देता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक मेरा तरफ से एक अपील रहेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं उसी डिपार्टमेंट को अपील करूँगा कि आप लोगों का यहाँ सहयोग जरूरी है, कि टेक्निकली, फाइनेंशियली ऐसे बच्चों को, ऐसे स्पोर्ट्समैन को हमें सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोग ऐसे जो स्पोर्ट्समैन को साथ देना चाहिए, डिपार्टमेंट से साथ देना चाहिए, इसलिए उम्मीद रखता है डिपार्टमेंट से साथ देगा। और साथ ही साथ मैं, मेरा जो भाई रिमोन और इसका जितना साथी है जो मिडिल ईस्ट हमारे स्टेट के लिए लाया है, ये गेम था नेशनल गेम, तो अभी आप ये नहीं सोचना है कि यहाँ तक हम सीमित जाएगा, आप यही जारी रखना है कि हम इंटरनेशनल तक पहुँचे, और हम लोग का उम्मीद यही रखेगा कि आप नेक्स्ट में, कमिंग में जो है इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहिए, और यहाँ नेशनल लेवल तक आप सीमित के नहीं रहना चाहिए, और जो जो बच्चे जो है मिडिल नहीं लाया है उनको भी मैंने कमज़ोर महसूस नहीं होना चाहिए, अपना जो खेल का, अपना जो ये उसका जो है जारी रखना, अपना जो हिम्मत को जारी रखना है, अपना जो खेल स्पीड को जारी रखना है, और मैं यही कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। तो 10 साल से खेल ही रहा हूँ ये पावर लिफ्टिंग, तो अभी अरुणाचल के लिए खेलने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव भी है, और प्लेयर लोग भी बहुत सपोर्ट है, उनका भी बहुत साथ मिला है, क्योंकि मैं तो आसाम से हूँ, अकेला खेलने के लिए गया था, तो सोचा था मतलब कि सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी का भी, लेकिन पूरा टीम ने बहुत सपोर्ट किया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, और खेलने में भी मजा आया है, तो मेरे को भी एक गोल्ड मिला है, एक सिल्वर मिला है सीनियर कैटेगरी में, तो इतना ही है। थैंक यू। मेरा नाम ताजे मुशू है, तो हम भी एक्चुअली अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बट के मतलब यहाँ मैं स्टेट में खेल के, मतलब जो अरुणाचल को जो रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, मतलब ना ऐसा है कि मतलब हम लोग एक्चुअली जस्ट कि गेम कैसा होता है, मतलब एक्सपीरियंस करे अलग यहाँ पर, तो मतलब लाइक वहाँ जाके भी फिर ऐसा हुआ कि लाइक हाँ, तो यहाँ तक आ ही गया, तो अभी तो मेडल तो लेके जैसे भी जाना ही हल्के, जो अपना बेस्ट देगा, जो भी देगा अपना बेस्ट देगा हल्के, जो अपना बेस्ट दिया
तो ये मेडल आ गया तो उसके लिए। और ये अरुणाचल प्रदेश और ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में क्या फर्क नजर आता है जब आपने पार्टिसिपेट किया है? देखो फर्क तो हमको तो जस्ट नाम का ही फर्क है ना उसमें। देखो हर चीज में कम्पिटेटिव जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेट बोलो नेशनल बोलो, कम्पिटेटिव कम्पीट ही करना एक दूसरे को तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा वो होता है। मतलब तो स्टेट नेशनल जा रहे हो तो क्या होता है, नेशनल में हम लोग जो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसमें मतलब दिल जो मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दिमाग जो और एक्टिव हो जाता है, चलो अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना तो मतलब स्ट्रॉन्ग से करना है हल्के तो उतना ही रहता है। थैंक यू। आपका है और मैं लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो मेरा मतलब ये नेशनल का एक्सपीरियंस तो हम मेरा खुद का ओपिनियन में हम जहाँ तक देखा है मतलब उसमें ऐसा होता है कि 2 से 3 kg तक के लिए भी फाइट चलता है। मतलब आप ऐसे होते हैं कि आप अगर 150 kg उठा रहे तो आपका अपोनेंट मतलब 151 kg उठाएगा, वो 1 kg ज़्यादा उठा के आपको हराने के लिए कोशिश करता है। तो मतलब ऐसा कुछ मतलब ऐसा मतलब खेल देखने में भी मज़ा आता। उसके बाद ये सब कैटेगरी का हम देखा है, मतलब हसन टीम मैनेजर तो सब कैटेगरी का देखा है तो मतलब था सब में मतलब ऐसे था कि मतलब बाकी जितना भी ये अदर स्टेट का मतलब प्लेयर्स लोग आए थे वो लोग भी बहुत मतलब टक्कर का था मतलब तो वही है मतलब एक्सपीरियंस तो मजा था, एक्साइटमेंट भी बहुत था। जब आप नेशनल के लिए गए थे तो उस दौरान जो एक प्रेशर होता है माइंड में क्या क्या प्रेशर ऐसा आपने सोचते हैं? हाँ ऐसे मतलब ये फर्स्ट टाइम का नेशनल का एक्सपीरियंस था तो हाँ ऑब्वियसली प्रेशर भी जनरेट हो रहा था, मतलब खुद खुद से आ रहा था, मतलब अंदर से खुद को मोटिवेट रखने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन भी प्रेशर आ रहा होता है तो फिर उसमें मेरा टीममेट लोग भी मेरा साथ में रहते हैं कि ऐसे प्रेशर मत लो, एक दो लिफ्ट मतलब हम लोग का ऐसे होता है कि मतलब हर एक मतलब पर्टिकुलर ये इवेंट में मतलब ऐसे होते हैं कि 3 lifts मिलते हैं तो उसमें से फर्स्ट वाला लिफ्ट गलत चला जाने से तो और भी ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। तब ऐसे में टीममेट लोग भी बहुत मदद करते हैं कि मतलब ये डिमोटिवेशन मत हो, अपना आपको उल्टा मोटिवेट करके रखे और फोकस में करो ऐसे बोल के। तो ये फोकस जो मतलब सिर्फ ऐसे नहीं होते कि आपको खेल में मदद करते हैं, मतलब रियल लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट होता है कि आपको फोकस बहुत जरूरी होता है। आपका सबसे पहले अपना नाम? मेरा नाम जिगे का है और हम ये कुछ में डिस्कशन बिलोंग करते हैं और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। आप किस वेट कैटेगरी में? आपने मेरा वेट कैटेगरी 60 अंडर 60 में खेला था तो आपके पास तीन तीन पदक में क्या क्या मेडल्स लाए आपने? हाँ ओवरऑल हम मेरा कैटेगरी में 4 gold लाए और एक चैंपियन का स्ट्रॉन्गर मैन का वहाँ का एक बेल्ट मिला है। बाकी मेरा टीम लोग तो बहुत अच्छा साथ दिया, यहाँ से जाते समय कम सब एक दूसरा का साथ दे के और लिफ्ट में भी अगर आपको अगर वार्म अप करना है तो मेरा दोस्त ये मैनेजर सर टाइव तो वो लोग हो गया, सब लोग हेल्प करते हैं। मतलब मोबो स्प्रे स्प्रे बहुत डालना पड़ता है, अकेला आदमी जैसे कि वार्म अप करते हैं तो फ्लैट डालते हैं फिर वेट खुद लिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ होता है। इस प्लेटफॉर्म तक आना और मेडल लेके आना तो इस क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट तो ओवरऑल ये आजाद सर को क्योंकि वही ये गेम को इधर लाया है तो मतलब अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होने से हम लोग शायद वहाँ तक नहीं भी जा सकना था तो उसके लिए आजाद सर को। आपका नाम अलिंगिया है? हम सियांग डिस्ट्रिक्ट से। आप किस वेट कैटेगरी में आपने लड़े? हम 56। अनुभव कैसा है आपका एक्सपीरियंस? अनुभव एकदम हर चीज़ नया था और बढ़िया था और हम मेरा ये क्या बोलते हैं श्रेय ये को फैमिली और दोस्त लोग को देना चाहेगा क्योंकि ये ऐसा गेम है जहाँ में फैमिली का हमेशा जरूरी सपोर्ट जरूरी होता ही है। और एक बात है मेरा दोस्त लोग वो लोग मेरा टिकट विकेट काटने के लिए भी पैसा नहीं जुड़ रहा था तो वो लोग हमको थोड़ा डोनेशन कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट करें तो उसके लिए थैंक यू। जब आप नेशनल के लिए जा रहे थे तो आप पदक भी लेके आए मेडल लेके आए तो परिवार में किस तरह का माहौल है? परिवार में मेरा पेरेंट्स पता नहीं कैसे लेकिन वो बस्ती चला गया था। आप बताए थे उन्हें? बताया था माँ को, बताया था माँ मतलब रिएक्शन ही नहीं कर पाए वो लोग क्योंकि इसका बारे अच्छे से नहीं जानते तो अच्छा इसलिए टिकी था। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत बेस्ट कांग्रेचुलेशन आपको।